हाँ समधन जी बोलत है, और का हाल चाल हो? हाल चाल बाद में, पहले ही बतावा, तुहार बिटिया के केवल साग ही बनावे आवत हो का? कभी पालक का साग बनाए, कभी मेथी का साग बनाए, कभी सरसों का साग बनाए, एक एक कुछ छोला भटूरा, पूरी कचौड़ी, पनीर रसगुल्ला बनाए नहीं सिखाए हो का? अरे समधन जी, हम तो सदिये के समय बताए रहे, हमार बिटिया गौ है, गौ खुद भी चारा खावत है और दूसरों को भी चारा खिलावत है। बड़े चलाक हो समधन जी, अपनी गौ हमरे खूटे बांध दिए। अरे भैया, मुंह लटका के काहे बैठे हो? क्या बताएं, बीबी से झगड़ा हो गया। अरे छोटे मोटे झगड़े हुआ करते हैं, इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? मुंह ना लटकाए तो क्या करें हैं? क्या करें बताओ, क्या करें? रोज हमारे घर में तरोई की सब्जी बनती, कद्दू की सब्जी बनती, बैगन की सब्जी बनती है। आज साला झगड़ा हो गया तो कमबख्त ने पनीर की सब्जी बनाई है। मोटी अकेले ही सब खाएगी, हमको नहीं देगी कुछ। हमको भी पनीर की सब्जी खानी है। ओ भैया फ्रिज का है आलू? बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमऊ के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया, कहीं एडजस्ट कहिला। अरे कहाँ से एडजस्ट के ले, जोन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन, बिस्कुट, सूजी, मैदा, बेसन, पापड़, सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया, ये कुल सामान किचन में रखे से चीटी लग जाते है, यही मारे फ्रिज में रख दिया जाते है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो, बेकिंग पाउडर, खाने वाला सोडा, एमे कौन सा चीटी लग जाते जोन एक फ्रिज में धई दिया जाते है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हो जाते, यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो, अभी फ्रिज में कल की दाल, परसों की सब्जी, नर्सों का चावल सब भरा पड़ा है, और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना? तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें, खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है, छोटा डब्बा, बड़ा डब्बा, दवा की पुड़िया, क्रीम, तेल, साबुन, कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है, अलमारी है या गधा है। बिटिया, अरे ओ बिटिया, क्या है मम्मी? देखो आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, अगर वो पूछे तुम्हें खाना बनाना आता है तो कह देना हाँ आता है, लेकिन मम्मी मुझे खाना बनाना तो आता ही नहीं। चुप रह, जितना कह रही हो केवल उतना कर। अगर लड़के वाले पूछे दाल कैसे बनाओगी तो बोलना दाल धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। और अगर उन्होंने पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो क्या बोलूंगी? अगर पूछे सब्जी कैसे बनाओगी तो बोलना सब्जी धुल कर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। बहन जी, दिखने में आपकी बिटिया तो बहुत खूबसूरत है, अगर आप अनुमति दे तो कुछ सवाल पूछ लूं बिटिया से। अरे आपकी बिटिया है, जो मन हो वो पूछिए। बेटे ये बताओ, अगर तुम्हारे ससुर जी तुमसे नाराज हो जाएं तो तुम कैसे मनाओगी? माँ जी, ससुर जी को धुलकर बर्तन में डालूंगी, उसमें पानी, नमक, मिर्च, हल्दी मसाला डालकर गैस पर 20 मिनट पकाऊंगी। अरे वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा, लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2,00,000 रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब, मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई, क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2,00,000 रुपए दे दो। बे? अरे यार, मैंने ही तुम्हें बे बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे? अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस शातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। भाई साहब, हमारी बिटिया शादी लायक हो गई है, कोई लड़का हो तो बताइए। अरे भाई साहब, घर में छोरा और नगर में ढिंढोरा, मेरा बेटा भी शादी लायक हो गया है, क्यों ना हम दोनों समधी बन जाएं? वैसे आपका लड़का करता क्या है? भाई साहब मेरा लड़का रेलवे में है। वो तो ठीक है भाई साहब, पर आजकल सरकारी नौकरी का कोई भरोसा नहीं रहा, क्या पता कल को रेलवे भी प्राइवेट हो जाए। अरे भैया, रेलवे प्राइवेट हो भी जाएगी तो लोग चने खाना थोड़े छोड़ देंगे। मतलब? मतलब ये कि मेरा लड़का रेलवे में चने बेचने का काम करता है। भैया, गोलगप्पा खाए का असली मजा तबे हो जब 3 लोग साथ में हो। अकेले जाओ तो गोलगप्पा वाला इतनी फटाफट खिलावत है जैसे ओके जोर की लगी हो, और 6-7 जने के साथ खाओ तो अपनी पारी का इंतजार करे में इतना समय लागत है जैसे सरकारी स्कीम में गोलगप्पा बटत हो।
अरे चाची सुना कल तुम्हारे मोहल्ले में नेताजी पीट दिए गए। अरे नहीं बच्चा, पीटे नहीं गए हैं, वो तो कचरे गए हैं। कचरे गए हैं, वो का है चाची? नेताजी सड़क बनवाए रहे। तो सड़क अच्छी नहीं बनवाए रहे का चाची? सड़क तो अच्छी बनी रही बच्चा। सड़क अच्छी बनवाए रहे तब काहे कचरे गए चाची? अरे बच्चा जब सड़क बनकर पूरी हो गई तो नेताजी बोले अब हम सिवा लाइन डलवाऊ। का हो मिर्ची, ये प्याज के साथ केहल जात हो? हम जाते पटाके फोड़े। अरे फोड़े को तो ससुरे को इसे फोड़ दो, पटाके फोड़े की का जरूरत है? बहन मैं 2 साल तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूँ लेकिन आज तक तुम्हारे पति को नहीं देखा। कैसे दिखते हैं तुम्हारे पति? अरे वो तो सीमा पे गए हैं। ये तो बड़े गर्व की बात है, तुम्हारे पति फौजी हैं। अरे बहन तुम समझी नहीं, सीमा मेरे खड़ू सास का नाम है, मेरे पति एकदम उसी पर गए हैं। भैया कद्दू का भाव? भैया कद्दू 40 रुपए किलो। और भिंडी का भाव? भैया भिंडी 80 रुपए किलो। और भैया लौकी का भाव? लौकी भैया 60 रुपए किलो। और भैया करेला? अरे भैया ले के का हो, केवल दाम ही पूछा तो कुछ ले तो हो नहीं। अरे भैया ले के कुछ नहीं हो, पड़ोस में हमऊ एक सब्जी की दुकान खोले है तो बस दाम पता करे आए रहे। बता रहे ससुर भाग जाओ यहाँ से, हमें से दाम पूछ के हमें से कंपटीशन करियो, भाग यहाँ से।